नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए सप्ताह की 10 नई पुस्तकें लेकर आए हैं जिन्हें प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित किया गया है। पहली पुस्तक है सभ्यता का संकट बनाम आदिवासियत। इस पुस्तक को घनश्याम के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में आपको कोरोना काल के समय जहाँ पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, वहीं कैसे अधिकांश आदिवासी इलाके अपेक्षाकृत महानगरों से ज्यादा सुरक्षित रहे, इस बारे में पढ़ने को मिलेगा। दूसरी किताब है दलित राजनीति और हिंदू धर्म, जिसे डॉक्टर रानी शंकर और उदय शंकर ने लिखा है। इस पुस्तक में आपको कैसे दलित वर्ग को सैकड़ों वर्षों तक अपमानित एवं शोषित रखा गया, उसके पीछे के कारणों की तर्कसंगत समीक्षा के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तीसरी पुस्तक है 1967 कश्मीर का परमेश्वरी आंदोलन। इस पुस्तक को आशीष कौल के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में आपको साल 1967 में हुए परमेश्वरी आंदोलन की कहानी के बारे में जानने को मिलेगा। चौथी पुस्तक है इंदिरा फाइल्स, जिसे विष्णु शर्मा की ओर से लिखा गया है। इस पुस्तक में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लिए गए फैसलों के बारे में बताया गया है, जिसमें आपातकाल, सिक्किम विलय, ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे फैसले शामिल किए गए हैं। यह पुस्तक जागरूक पाठकों, शोधार्थी, पत्रकार, नेता, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए काफी मददगार है। पांचवी पुस्तक है सर्व गुणा कर श्रीमंत शंकर देव, जिसे डॉक्टर ऋषिकेश राय ने लिखा है। इस पुस्तक में आपको श्रीमंत शंकर देव के बारे में और उनके देश में चल रहे भक्ति आंदोलनों में योगदान के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसके साथ ही इस पुस्तक में आपको श्रीमंत शंकर देव के अपने सुदीर्घ साधना, विराट प्रतिमा और प्रांगण जनसंपर्क से युगीन संकट की प्रकृति एवं दशा से जुड़ी बातों के बारे में भी जानने को मिलेगा। छठी पुस्तक है काशी की गोलकंधारी, जिसे गोपाल राम गहमरी ने लिखा है। इस पुस्तक में लेखक ने जीवन, घटनाएं, अपराध, रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं को कथा का रूप दिया है और इसी कथा के माध्यम से जीवन की जीवांत कहानियां उन्होंने पेश की है। सातवीं पुस्तक है परमवीर अल्बर्ट एक्का। इस पुस्तक को संजय कृष्ण की ओर से लिखा गया है। इसमें परमवीर अल्बर्ट एक्का के बारे में और भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में लांस नायक अल्बर्ट एक्का की बहादुरी और साहस के बारे में बताया गया है। आठवीं पुस्तक है माय इन्वेंशन, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ निकोल टेस्ला। इस पुस्तक में निकोल टेस्ला के जीवन से जुड़ी बातों के बारे में और उनके द्वारा किए गए आविष्कारों के बारे में बताया गया है। साथ ही इस पुस्तक में लेखों की एक श्रृंखला भी दी गई है, जो निकोल टेस्ला ने 1919 में इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंटर पत्रिका के लिए लिखी थी। नौवीं पुस्तक है कल्पना चावला, अ कंप्लीट बायोग्राफी। इस पुस्तक को अभिषेक कुमार ने लिखा है। इस पुस्तक में कल्पना चावला के सपनों को हकीकत बनने की कहानी बताई गई है। यह एक ऐसी कहानी है जो सभी को यह विश्वास दिलाती है कि सपनों से सफलता तक का रास्ता मौजूद है, बस जरूरत है दृष्टि, दृढ़ता और उस पर चलने का साहस की। वहीं हमारी दसवीं और आखिरी पुस्तक है द ट्रायंगुलेशन ऑफ सक्सेस, जिसे डॉक्टर टिमोथी लॉ ने लिखा है। इस पुस्तक में डॉक्टर टिमोथी लॉ ने बड़े संगठनों के CEO के रूप में नेतृत्व के अनुभव को महत्वपूर्ण पाठों में बांटा है, जो दुनिया भर के संगठनों में सफलता बनाने और उन्हें बनाए रखने के लिए बार बार सिद्ध हुए हैं। साथ ही इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे एक लीडर की सेवा संगठन को प्रभावित करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे कुछ नई पुस्तकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।